उस अध्यादेश के अंतर्गत इन्होंने कहा कि चाहे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो, जो सुप्रीम को कहा हो, हम जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का जो एक्ट है 1991 का, उसमें संशोधन करते हैं और उसके अंतर्गत हम एक कमेटी का गठन बनाते हैं। एक कमेटी में कौन होगा? एक तो मुख्यमंत्री जी चेयरमैन होंगे, उसके साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम होंगे और उसके साथ चीफ सेक्रेटरी होंगे, और साथ में कानून में यह कह दिया कि जो फैसले होंगे अगर आम सहमति से नहीं होते तो मेजॉरिटी से फैसले होंगे, और अगर मेजॉरिटी से फैसले होंगे तो दो तो वहां ब्यूरोक्रेट हैं, एक प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी और एक चीफ सेक्रेटरी, वो किसके ब्यूरोक्रेट हैं? वो केंद्र सरकार के ब्यूरोक्रेट हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो लोग जो इस कमेटी में शामिल हैं उनका फैसला चुनी हुई सरकार के खिलाफ भी हो सकता है। मतलब कि आप मुख्यमंत्री जी की तौहीन कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी का फैसला नहीं चलने वाला तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि ब्यूरोक्रेसी ही दिल्ली चलाएगी। इसका मतलब जो मुख्यमंत्री जी कहेंगे उसकी बात नहीं मानी जाएगी, और अगर बात नहीं मानी जाएगी और अवैध हो कुछ तो उसके बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो अपने तौर पे खुद फैसला करेगा। तो पावर सारी लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी, अगर आम सहमति नहीं हो तो मंत्रिमंडल को जीरो कर दिया, चीफ मिनिस्टर को जीरो कर दिया, पावर ब्यूरोक्रेट्स को दे दी और फैसला केंद्र सरकार करेगी। तो फिर आपने काहे को असेंबली बनाई, काहे को आपने चुनाव दिया, काहे को आपने मंत्रिमंडल बनाया? ये कौन सा मजाक हो रहा है हिंदुस्तान में? ये संविधान का मजाक हो रहा है? ये किस किस्म के कानून हैं? और आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला अध्यादेश द्वारा, कानून द्वारा रद्द नहीं कर सकते, वो उनके हक में नहीं है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ये रद्द नहीं कर सकते। तो मुझे मालूम है कि आप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है कि इस अध्यादेश को रद्द करना चाहिए, जो असंवैधानिक है। तो मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द करेगी, इसको खत्म करेगी, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो अध्यादेश ये कह दे कि जो चुनी हुई सरकार है उसके निर्णय नहीं माने जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्यूरोक्रेट कहता है उसके कहने माने जाएंगे, तो इसका मतलब कि असेंबली का कोई मतलब ही नहीं। और केवल यही नहीं, हर एक मंत्रिमंडल के अंदर एक ब्यूरोक्रेट होता है, एक सेक्रेटरी होता है, उसकी भी नियुक्ति ये लोग करेंगे। उसके 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 हक क्या होंगे ये भी ये लोग करेंगे, और अगर इसमें भी कोई मतभेद हो कमेटी में तो वो भी फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगी। मैं तो आज मैं यहां आया हूं इसलिए आया हूं कि मैं समझता हूं कि जब जब भी संविधान पे आक्रमण होता है तो हम लोगों को इकट्ठा होकर खड़ा होना चाहिए। मैं एक निर्दलीय सांसद हूं, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं। अखिलेश जी की वजह से उन्होंने मुझे निर्दलीय रूप में यहां पार्लियामेंट में भेजा है, और मेरा मकसद ये रहेगा कि आने वाले दिनों में हर प्रदेश में जाकर मैं ये बात कहूंगा कि वक्त आ गया है कि हम सबको एकजुट होकर मोदी जी के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं आज आपको एक मन की बात बताना चाहता हूं। मोदी जी हमेशा बच्चों को मन की बात बताना चाहते हैं, मैं भी आपको मन की बात बताना चाहता हूं। वो ये है कि जनता इनको पसंद नहीं करती, जनता इनको नहीं चाहती। जनता कहती है काफी हो गया, आपको बड़ा वक्त दे दिया, आप तो एक अमीरों के प्रधानमंत्री हैं, आम जनता के मामलों में तो आप दखलंदाजी नहीं करते। जनता पिस रही है। मैं आपको सच बात बताऊं कि आज के दिन में कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें आम आदमी का फायदा हुआ हो? इस देश में 10% लोगों की जो संपत्ति है
10% लोगों की जो संपत्ति है वो देश के जो 76% संपत्ति है वो 10 लोगों के पास है। 76%, 80 करोड़ लोग यहां 10,000 से कम पर माह कमाते हैं। तो ये कौन सा देश है, किसकी बात आप कर रहे हो? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।